रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, उर्दू में आज एक क्लिप मैं बना रहा हूँ, लेकिन सबसे दरख्वास्त है कि बायो में मैंने अपनी यूट्यूब चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो कुछ वीडियोस में उधर भी डालता हूँ, वो भी आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, उधर भी आपने विज़िट करना है। और मेरा नंबर है कॉन्टेक्ट का, सब दोस्त पूछते हैं कि आपका नंबर किधर है, तो हर वीडियो में मैं अपना नंबर बता देता हूँ, लेकिन कुछ लोग शायद मेरी वीडियो पूरी नहीं देखते, तो उस वजह से उसको नंबर मिल नहीं जाता। तो 0332777711 ये मेरा नंबर है। अच्छा, वीडियो कुछ इस मुनासिबत से मैं बना रहा हूँ। अभी मैं इधर पे खड़ा हुआ, जुम्मे का दिन था और मेरे ख्याल में आज 25 अक्टूबर है, तो नमाज़ पढ़ ली हमने अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे का। तो उसके बाद हम इधर पे आए हैं, हम अटक से आए हैं तकरीबन 28 किलोमीटर बमुश्किल या 27 किलोमीटर। ये एक मौका है हमारे पास, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। ये तकरीबन है राउंड अबाउट 500 कनाल, ठीक है। तो इस 500 कनाल में कुछ तकरीबन 100 कनाल के पीछे 12% या 10% आप कर ले, ये कोई इसमें गैरबाद होगी, लेकिन वो भी बनने के काबिल है। तो इंशाल्लाह इसमें हमारा प्लान ये है और तरतीब ये है कि पीछे हमारे साथ जो दोस्त है जो पैसा लगा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उसको भी काफ़ी फ़ायदा होगा, और जो इसमें लेने वाले जो हमारे दोस्त हैं तो उसको भी हम ऐसे रेट में इधर पे जगह देंगे कि इंशाल्लाह ताला उसको मुस्तकबिली गरीब में अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे तो भी फ़ायदा उनको पहुंचेगा, और अगर वो इधर पे फार्म हाउस या घर बनाने के लिए हमसे जगह लेंगे तो इंशाल्लाह वो खुश होंगे इधर पर। वजह इसमें यह है कि एक तो ये जगह कागज़ी पोजिशन के लिहाज से बड़ी ज़बरदस्त और क्लियर जगह है, और इसमें यह है कि ये प्रॉपर मतलब कंप्यूटराइज इंतकाल है, ठीक है। ज़ेर ज़मीन पानी बाज़ जगहों पे मतलब काफ़ी नज़दीक है, बाज़ जगहों पे 250-300 फुट है, लेकिन ये कुछ इशू नहीं है इंशाल्लाह ताला, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज़मीन के अंदर पत्थर और पहाड़ वो इशू नहीं है। तो इसके बिना पर जो है ना बोर के ऊपर ख़र्चा कम आएगा, बिजली यहाँ पे मौजूद है, यहाँ जो सरकारी रास्ता गुजरा हुआ है इसका फ्रंट उसके साथ काफ़ी मतलब लंबा चौड़ा फ्रंट है इस ज़मीन का। तो हमारे साथ आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें इसमें, इसमें हम देंगे तकरीबन 20 कनाल भी, मतलब अगर किसी ने लेना है तो वो भी देंगे। फ़ी मरले का हमने रेट मुकर्रर किया हुआ है 15,000 रुपये, तो इस हिसाब से बनता है एक कनाल का तकरीबन 3 लाख रुपये। तो 3 लाख रुपये के हिसाब से हम इसमें पर कनाल देंगे, और हर उस दोस्त को हर उस भाई को जो ओवरसीज़ है या जो पाकिस्तान में, इंशाल्लाह उसको उसकी जो अमाउंट है उसको हम सिक्योर करेंगे, उसको हम प्रॉपर कब्ज़ा देंगे, प्रॉपर इंतकाल इस जगह का देंगे, इंशाल्लाह वो हमसे खुश होगा। और एक दफ़ा अगर आप लोगों ने हमारे हाथ या हमारे थ्रू एक डील कर लिया इंशाल्लाह, और फाइनल होने के बाद आप लोग इंशाल्लाह तारीफ भी करेंगे हमारा, और इंशाल्लाह हमारे साथ आप अपना वो रवाबित भी जारी रखेंगे इंशाल्लाह ताला। और जिन लोगों ने हमसे इससे पहले डील की हुई है इंशाल्लाह वो भी ये वीडियो देखेंगे, तो इंशाल्लाह वो भी अपना फीडबैक हमें देंगे ताकि देखने वाले उनको पढ़ ले देख ले। तो बस यही कुछ ज़रूरी था जो आपको बताना, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते पहले भी मैंने इधर पे एक वीडियो बनाई थी इस हवाले से, इस मुनासबत से। तो ये मिलजुल कर एक प्रोजेक्ट है, इसको इंशाल्लाह मिलजुल कर हम आगे लेके जा रहे हैं। तो सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने भी जगह लेनी है घर के लिए या मिसाल के तौर पे रखने के लिए या फार्म हाउस के लिए, तो वो आ जाए, मेरा ऑफिस आ जाए, हमारे पास ऑफिस है उधर पे अटक में, तो इंशाल्लाह ताला उसको हम नाराज़ नहीं करेंगे, विज़िट भी देंगे उनको, और जो है ना उसका अमाउंट हम सिक्योर करेंगे इंशाल्लाह ताला, और इधर पे प्रॉपर कब्ज़ा देंगे और प्रॉपर इंतकाल उनको देंगे। ये जगह बनती है तकरीबन इस्लामाबाद से तो मेरे ख्याल में 70 या 75 किलोमीटर बनेगी, और फतेह जंग बाज़ार से ये जगह बनती है तकरीबन 35-40 किलोमीटर। और पीछे मैंने वीडियो का स्टार्ट में आपको बताया कि अटक से तकरीबन यही कोई 27-28 किलोमीटर मुश्किल से, 30 कर दे कोई इशू नहीं है, प्रॉपर मट ज़मीन है, ये आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह के तकरीबन इसमें पार्टीशन में जिस तरह ये पार्ट आपको नज़र आ रहा है इस पट्टी का, तो तकरीबन ये है मेरे अंदाजे के मुताबिक, ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगी तो ये 20 कनाल कर ले आप, तो इस 20 कनाल के हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन मतलब नीचे मौजूद है, तकरीबन 20 या 22 पट्टियाँ इस तरह है इसमें अंदर नीचे। तो बिल्कुल खूबसूरत और ज़बरदस्त ज़मीन है, और इस ज़मीन का नज़ारा अगर आप करोगे मतलब जनवरी फरवरी में, तो फिर इसमें बेहतरीन किस्म की सरसों और जो है ना गंदम का फसल लगा हुआ होता है, हर फसल के लिए जो है ना ये ज़मीन ओके है। और ज़मीन तो इनकार नहीं करते, पीछे से अगर मालिक जो है ना लेने वाला वो पैसे वाला, वो पैसे लगाने वाला, वो गोबर जो है ना इसको लगाए, खाद लगाए, तो इंशाल्लाह ये हर चीज़ सब्ज़ी से लेकर मकई तक, मकई से लेकर गंदम तक हर चीज़ इंशाल्लाह, और स्पेशली ये सूट करता है ये एरिया माल्टे के बाग के लिए। तो फिर जब 2 से 3 और 3 से 4 दोस्त जब इकट्ठे हो जाते तो फिर वो आइडियाज़ निकलते, तो वही लोग इस जगह के लिए चाहिए। तो मेरी वीडियो जो भी लोग देखेंगे
फौरन वो मेरे से रब्ता करें इंशाल्लाह ताला, और आप इस विज़िट करें, इधर भी हम उनको विज़िट देंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलो वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है, अभी भी लंबी हो गई, तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी, ये वीडियो आप टिकटॉक पे भी देख सकेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अगर हमारी बोलचाल तो पुश्तो है, अगर उर्दू अल्फाज सही तरीके से मुझसे अदा नहीं हुए हो तो उसके लिए माजरत। और चले मैं आपसे ले लेता हूँ इजाज़त इस बात पर कि अल्लाह आप सबको, हम सबको खुश रखे, आबाद रखे, और अल्लाह हाफिज़।